बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे भारत सरकार। अजमेर में सकल हिंदू समाज ने दिया राष्ट्रपति, राज्यपाल और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम ज्ञापन। विशाल मौन जुलूस के साथ ज्ञापन देने पहुंचे 3000 से अधिक लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा और अत्याचार के खिलाफ आक्रोश और विरोध के स्वर मुखर करते हुए जहां शुक्रवार को दिल्ली सहित देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए गए, वहीं अजमेर में सकल हिंदू समाज के आह्वान पर दोपहर 1 बजे तक बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सकल हिंदू समाज ने गांधी भवन से जिला कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला। जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां हजारों की संख्या में एकत्रित हिंदू समाज के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर काफी देर तक रामधुनी और संकीर्तन का जाप किया। इस बीच समाज का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें संत, महंत और हिंदू संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल और मानव अधिकार आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिस समय ज्ञापन दिया गया, उस समय उपस्थित जनसमूह ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ तथा संकीर्तन और 2 मिनट का मौन धारण कर इस हिंसा में हताहत हुए निर्दोषों की आत्मा की शांति और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित नागरिकों को धन्यवाद ज्ञापित निरंजन शर्मा ने किया। ज्ञापन देने वाले समूह में महंत श्री श्याम सुंदर शरण देवाचार्य, महंत स्वरूप दास मनोहर उदासीन आश्रम, महंत श्री गोवर्धन नाथ जी, नाथ जी की बगीची, महंत श्री शिवरतन दास जी अरणका गौशाला, महंत श्री नारायण दास जी, महंत श्री बजरंग दास जी महाराज सीताराम मंदिर, सुनील दत्त जैन, सुशील सोनी, गोपाल चोयल, अशोक पंसारी, प्रभु लोंगानी, दशरथ सिंह, रमाकांत बाल्दी, उत्तम पवार, राकेश विजयवर्गीय, सुनील ढिलवारी, विनोद डाबरिया, अनिल भारद्वाज, महेंद्र बंसल, किशन गोपाल गुप्ता, मुकेश शर्मा, वेद माथुर, बाबू सिंह पवार आदि शामिल रहे। मौन जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाओं सहित 3000 से अधिक हिंदू समाज के लोग उपस्थित थे। ज्ञापन में की गई प्रमुख मांगें, भारत सरकार न केवल बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक व्यापारिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, अपितु जिन हिंदुओं की संपत्तियों को बांग्लादेश में नष्ट किया गया है उनकी भरपाई की जाए। जिन निर्दोष हिंदुओं अल्पसंख्यकों की हत्या हुई है उनके परिजनों को मुआवजा व सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के हिंसा में घायल हुए नागरिकों की समुचित चिकित्सा का प्रबंध सरकारी खर्च पर करवाया जाए। जो लोग इस अमानवीय हिंसा के दोषी हैं उनको कठोरतम सजा दिलवाई जाए। साथ ही बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी कमीशन नियुक्त किया जाए, जो वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में लगातार जानकारी लेता रहे। हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे अमानवीय अत्याचारों के विरोध में आज यहाँ पर यह प्रोटेस्ट का आयोजन किया, मौन जुलूस था। बांग्लादेश में जिस प्रकार पिछले वर्ष से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और विशेष रूप से यह जो जिहादी मानसिकता वाली सरकार पिछले 1 महीने से अस्तित्व में आई है, उसके कारण से बहुत तीव्र गति से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। जिस बांग्लादेश का निर्माण भारतीय सेना के पराक्रम के कारण से हुआ, आज उस देश में इस प्रकार का दृश्य देखकर हिंदू जनता, हिंदुस्तान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है, अपने आप को आंदोलित महसूस करती है कि जिस देश के अस्तित्व के लिए हमारे सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर किए, आज उसी देश में हमारे समाज के बंधुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस निमित्त प्रजातांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के दृष्टि से हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया है। हजारों की संख्या में नर नारी भाई बहन अपने यह जुलूस में शामिल हुए, मौन जुलूस के रूप में यहां पर आए। समाज के मूर्धन्य लोग, नेतृत्ववान लोगों के नेतृत्व में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा है। जिलाधीश महोदय ने हमको यह आश्वासन दिया है कि वो इस ज्ञापन को, इन भावनाओं को, ये जो ज्वार रूपी भावनाएं आप बाहर देख रहे हैं, इनको वो ठीक स्थान पर ठीक शब्दों में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के आश्वासन के साथ आज का हमारा ये मौन जुलूस का कार्यक्रम संपन्न हुआ। टारगेटेड अटैक हो रहे, तो हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे, टारगेटेड अटैक हो रहे, उसके विरोध में, उसका विरोध करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम कलेक्टर महोदय के थ्रू प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यूएन चीफ और मानव अधिकार को ये हम भेजा है यहाँ से एक आवेदन कि जल्द से जल्द अत्याचार बंद हो, हिंदुओं को अपना सम्मान मिले, मंदिरों पे अत्याचार बंद हो। वरना ध्यान रहे, ये हिंदू है। आज अजमेर में ही रैली हुई है, कहीं ऐसा ना हो ये रैली यहाँ से निकल के बांग्लादेश पहुँच जाए। इसलिए आज चेतावनी भी देते और विनती भी करते, वहाँ की जो नई सरकार आई है उसमें जो जिहादी मानस के लोग हैं, जो हिंदुओं पे टारगेटेड अटैक कर रहे, मंदिरों पे अटैक हो रहे, उसको कृपया बंद करें। वरना हिंदू जाग चुका है, अब घर में रहने वाला नहीं है,
वो सड़कों पे आएगा और जरूरत पड़ेगी तो आप सब जानते हैं कि पहले भी कितने बलिदान दिए हैं, हम में से कोई पीछे हटने वाला नहीं है। कल हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हो रही बर्बरता के खिलाफ आज संगठित होकर रैली निकाली है। वहाँ पर बहु बेटियों के साथ हो रही बर्बरता के साथ हिंदू मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है, हिंदू परिवारों को जो आघात पहुँचाया जा रहा है, उनकी अस्मिता को जो ठेस पहुँचाई जा रही है, ऐसा लगता है पूरी तरह से वहाँ पे जंगल राज आ गया है। उस जंगल राज को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए किसी तरह कठोर कदम उठाए सरकार, क्योंकि ये हमारा उत्तरदायित्व है। जब हम पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाते हैं तो बांग्लादेश को शांति का पाठ क्यों नहीं पढ़ा सकते? हमारी ताकत में कहाँ कमी है? सरकार तुरंत प्रभाव से हमारे बच्चों की, हमारे बेटियों की, हमारे परिवारों की रक्षा करे वहाँ पे, ऐसा हमारा प्रार्थना है, निवेदन है। और कोई कमी नहीं है सरकार की ताकत में। जब मोदी जी की गवर्नमेंट है तो फिर क्या कमी है? मोदी जी ने तो वैसे भी बहुत बड़े बड़े काम किए मानव समाज के लिए, तो अगर हिंदुओं की बात भी नहीं करो तो इंसानियत के लिए तो करो। किसी भी परिवार की बेटी की इज्जत लूटना, ये कौन सा अच्छी बात है? कौन सी इंसानियत है? क्या मतलब है इन बातों का? अरे मर्द हो, अगर वास्तव में ताकत है तो उन लोगों से टकराओ ना जो सामर्थ्यवान है। तो आज इसी संदेश के साथ हमने मौन रैली निकाली है सकल हिंदू समाज ने, और कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया है।